पार्टी है, ये आपकी पार्टी है, ये एक जज्बा है, एक जुनून है, एक रवायत है, और रवायतें बदला नहीं होते, जज्बे मना नहीं करते। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, कर जीत के तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। नारे 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 पुत्र जिए 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 पुत्र, नारे 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 पुत्र जिए 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 पुत्र। खून चाहिए, खून देंगे हम, सर चाहिए, सर देंगे हम, जान चाहिए, जान देंगे हम, ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। कितने पुत्रों कत्ल करोगे और घर से पुत्रों निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक, मैं हूं आदिल अब्बासी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में दिन भर जो खबरें गर्दिश करती रही वो ये कि एन ए 204 से मुस्ताफी होने वाले अयाज सोमरो साहब जो हैं उनकी इस्तीफे की बुनियादी वजह अब तक जो इत्तला सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो पार्लियामानी सियासत के अंदर लाने की तैयारी हो रही है, कौमी असम्बली भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन ये अब तक जो है वो मुसद्दका तौर पर हर चीज नहीं कही जा सकती, क्योंकि हमने ये देखा कि एक तरफ जब ये बयान आया तो खुर्शीद शाह साहब का भी एक बयान हमारे सामने आया और उसमें कहा गया कि बिलावल भुट्टो के आने से पार्लियामेंट मजबूत होगी, लेकिन दूसरी जानब उनके वालिद के बहुत अच्छे दोस्त साबिक सूबाई वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई जो है वो जिमनी इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं और वो जो है ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा हमने ये देखा कि इस किस्म के मवाकों पर एक माहौल, खास माहौल क्रिएट किया जाता है, लेकिन कल जो है वो 27 दिसंबर है, आप सब जानते हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जो है उनकी बरसी है, और मोहतरमा की बरसी के मौके पर कल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद जो हमारी इत्तलात है उसके मुताबिक बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमली सियासत में दाखिल होने का ऐलान उनका किया जाएगा और अमलन जो है वो फ्रंट फुट पर आकर वो खेलेंगे। को चेयरमैन उनके वाले साहब जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो दोनों वाला मामला मौजूद जरूर रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो आगे आकर फ्रंट फुट पे खेलेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और फिर ये एक तैयारी होगी शायद उन्हें पार्लियामानी सियासत में लाने की और आगे रखने की, ताकि पार्टी का थोड़ा सा जो रुख है, जो चेहरा है, वो मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा सके। इसके साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब और सिंध में मुकर्रा तारीखों पर इंतखाबात नामुमकिन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने नामुमकिन करार दिया है। हालांकि पहले ये कहते रहे कि जी अदालत की जानिब से जो तारीख दी जाएगी उस पर जो है मिनवान अमल किया जाएगा और उस फैसले पर जो है वो कायम रहेंगे, लेकिन अब पंजाब और सिंध में मुकर्रा तारीखों पर कुछ जो है वो तहफ्फुज़ात हमें देखने में आ रहे हैं। पंजाब की जानिब ये इशारा है कि जी 30 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई 30 जनवरी तक मुमकिन नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है, और काफ लीग ने भी सिंध के बलदियाती इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया है। एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात हैं जो नया ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम दो जो मौजूदात हैं आज उस पर बात करेंगे। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया जा रहा है अमली सियासत के लिए, और दूसरी तरफ जो है वो बलदियाती का मामला जो है वो तारीख पर तारीख की सूरत में हमें दिखाई दे रहा है। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं, हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, जान अचकजई साहब स्पोक्स पर्सन है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान से ताल्लुक, अली मोहम्मद खान साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका बहुत शुक्रिया, मोहसिन शाहनवाज राजा साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, आपका भी बहुत शुक्रिया, जान अचकजई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मोहम्मद मालिक साहब भी होंगे और हम जरा उनसे ये जानेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाली जो ये बात सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही हैं, इसका क्या जो है वो पस मंजर है या क्या मुस्तकबिल हो सकता है। सबसे पहले शैला साहब आपकी तरफ आऊंगा, जरा ये बताइएगा कि दो मुतजाद बल्कि कई मुतजाद बयान सामने आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब को लड़वा रहे हैं 204 से इलेक्शन आप लोग?
देखिए, जब मैं लाड़काना के लिए घर से निकल रही थी फ्लाइट आने के लिए, तो ये मैंने खबर देखी थी कि अयाज सुमरो साहब जो है उनको, बल्कि ये आ रहा था कि मुस्ताफी, और अब इसमें क्या कंफर्मेशन है क्योंकि मैं भी लाड़काना पहुंची नहीं हूँ, तो वहां पहुंच कर ही पता चलेगा। लेकिन जाहिर है कि आज या कल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो पार्लियामेंट में आना ही है। अब ये उनका अपनी डिसीशन होगा पार्टी का भी कि उनको जो है वो सूबाई सतह पे लाया जाए या कौमी सतह पे लाया जाए। इस में कोई हैरानगी की तो बात नहीं है। नहीं, हैरानगी की बात तो नहीं है यकीनन, लेकिन हम यही कंफर्म करना चाह रहे हैं क्योंकि खुर्शीद शाह साहब कहते हैं उनके आने से पार्लियामेंट मजबूत होगी, लेकिन जुल्फकार मिर्जा साहब का बयान है कि वो कोई अभी जो है वो बाय इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि कल कोई जो है वो ऐलान मुतवक्के है या फिर अमलन जो है वो सियासत में कल उनके आने का कोई ऐलान होने जा रहा है हमारी इत्तलात के मुताबिक। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मैं घर से निकल रही थी तो मैंने ये खबर टीवी पे देखी थी, अभी तक क्योंकि मैं पहुंची नहीं हूँ। मतलब कुछ चीजें तो टेलीफोन पे भी शैला साहब पता चल जाती है, उसके इस्लामाबाद आने की, लड़काना जाने की जरूरत नहीं होती। नहीं है, नहीं मतलब ये कि वहाँ पे जरा कंफर्मेशन हो जाएगी, सब लोगों से मिलना जुलना होगा तो वहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि वैसे आपको कौन बताएगा, आपको भी सोर्सेस ही बताएंगे या डायरेक्ट पार्टी में बता दिया जाएगा कि हाँ ऐसा कोई फैसला हुआ? जाहिर है कि कल वहाँ पे मीटिंग भी होगी, सब होगा, और वहाँ पे जो है हर साल जो है हमेशा से दो दफा ये होता है कि भुट्टो साहब की बरसी के बाद और बीबी साहिबा की बरसी के बाद वहाँ पे मीटिंग होती है और फैसले किए जाते हैं। तो ये काफी दिनों से है और मैं भी समझती हूँ कि जल्द ही ये होगा। और 7 महीने पहले मैंने ट्वीट भी किया था कि सबसे कम पर ऑपोजिशन लीडर होंगे, तो अब इसमें कि कल ऐलान है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ अरसे बाद तो ये होना है। ठीक है, अच्छा, अमली सियासत में जो है वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर कल ऐसा कोई ऐलान होने जा रहा है कि बाकायदा तौर पर वो अमली सियासत में? जरूरी नहीं है कि जब आप एमएनए एमपी हो जब ही प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हो, फिर तो आप एक पार्लियामेंटेरियन या लेजिस्लेटर हो जाते हैं। अमली सियासत तो बहुत पहले शुरू हो जाती है, और मैं भी जो हूँ वो 86 में मैं जब ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया था, मैं तो जब से अमली सियासत कर रही हूँ। अब कल कोई ऐसा ऐलान तो होने नहीं जा रहा ना, कल खेलने कूदने की उम्र थी तो बिलावल साहब उसमें सियासत की है। जी जी, अच्छा, वो यकीनन हम कर बिलावल साहब की वैसे उम्र तो यही है, लेकिन बहरहाल गुजारिश ये थी कि कल कोई ऐसा ऐलान तो नहीं होने जा रहा कि अमलन वो पॉलिटिक्स नहीं सकते। लेकिन अगर पार्टी रिसोर्सेज ये कह रही हैं कि ऐसी बात नहीं है तो फिर ऐसे ही होगा। कल की बात कल के साथ, कल की बात कल के साथ, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक कल अमलन सियासत के अंदर जो है वो उनका किरदार डिस्कस भी होगा। बहरहाल जरा मुझे ये बताइएगा, ट्वीट से आपके मुझे याद आया, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक ट्वीट मेरे सामने है, उन्होंने कहा मैरी क्रिसमस टू ऑल फॉलोवर्स ऑफ हजरत ईसा अराउंड द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान, और आई वॉन्ट टू सी अ क्रिश्चियन पीएम ऑफ पीके इन माई लाइफ टाइम, वुड यू लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट? देखिए, वैसे तो जाहिर है कि हमने 18 अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में तमाम जमातों के साथ साथ मिलकर, और उस आइन की रूह से तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक इंटरफेथ हार्मनी होनी चाहिए, और पाकिस्तान को सब मशकूक नजरों से देखते हैं, स्पेशली पेशावर के चर्च धमाकों के बाद, और क्या कहते हैं गोजरा और बाला में बाग पे हमला, फिर आसिया बीबी के सिलसिले में गवर्नर सलमान तासीर की शहादत, और फिर उसके रिएक्शन में जो है एक कातिल के लिए 3,000 पढ़ा लिखे पंजाब का घर निकल के उसकी वकालत करने का ऐलान, और इसी तरह एले तशैयों का जीनोसाइड, तो इसको सब बड़े हैरानी से देखते हैं दुनिया में। तो मैं भी अगर हम ये तस्वीर करें कि जिस तरह आपने भी कहा कि मैंने 7 महीने पहले ट्वीट किया था कि सबसे कम उम्र लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो सकते हैं, अगर कल वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाएं या फिर कल दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए तो आइन में तरबीम करके इस मामले को भी हल किया जा सकता है कि कोई माइनॉरिटी से जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने।
देखिए इसके लिए अभी बहुत वक्त चाहिए. हमारे यहाँ जो है ये नहीं देखा जाता, जबकि आईन हमारा इक्वल मैरिट भी देता है कि हमें जो है ना, हमारे यहाँ एक ये तस्वुर है कि मजहब के नाम पे जो है एक तफरका फैलाया जाता है, फर्क किया जाता है, किसी को काफिर कर दिया जाता है, किसी को कुछ कर दिया जाता है, और इसकी बुनियाद से मारा भी जा रहा है. तो एक तो क्या अच्छा है, नहीं एक बात जरा एक तसलसल रहने दें. तो देखिए हमें ये समझना चाहिए कि अगर किसी नॉन मुस्लिम की स्ट्रगल उसकी पे में बहुत ज्यादा है तो वो भी हाईएस्ट लेवल पर जा सकता है. तो उन्होंने कहा चाहता हूँ, ये नहीं कहा कि फौरन हो जाए या होना चाहिए. एक अच्छी बात है कि जैसे हम मुख्तलिफ ममालिक में देखते हैं कि मुस्लिम्स भी आ गए. तो ये 18 अमेंडमेंट भी आप लोगों ने पास की थी, 5 साल हुकूमत भी थी, तरामीम भी होती रही काफी, अगर उसी वक्त इस मसले पर थोड़ा सा तवज्जो दे दी जाती तो बेहतर नहीं हो जाता? नहीं, अभी हम इतना आगे नहीं आए हैं और पहुंचे नहीं. अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लाइव डॉक्यूमेंट है और तमाम लोगों की रजामंदी से होता है, सिर्फ एक आदमी के चाहने से नहीं होता. पॉइंट टेकन. तो अगर इत्तेफाक नहीं हुआ तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन सोच रखना तो बड़ी बात नहीं है. बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेनी है मुझे. ब्रेक के बाद मैं स्टूडियोज में जो उनसे जरा इस पर जो है वो उनकी राय लूंगा कि वो क्या राय रखते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज का इस पर क्या जो है वो स्टांस है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो अमली सियासत में आने का मामला सामने आ रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं. ब्रेक के बाद वेलकम बैक. ब्रेक से पहले शैला रजा साहबा कह रही थी कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ख्वाहिश है और उस पर कोई पहरा नहीं है, और इसमें अभी हम बड़े दूर हैं, इतना आसान नहीं है कि इतनी जल्दी ये फैसला किया जाए, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा होना चाहिए क्योंकि माइनॉरिटीज के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, किसी भी किस्म की जाति होती है, तो ये भी उसका एक तरीका है कि आप ये रेमेडी तसव्वुर कर सकते हैं या इससे जो है वो किसी हद तक आप सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं या अदम तहफ्फुज जो है वो उसको खत्म कर सकते हैं. यू वॉन्टेड टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या कनाबुदो या कनस्ताइन. सबसे पहले तो ये बात कि पाकिस्तान हमने क्यों बनाया था, ये मकसद. दूसरी बात यह है कि हम एक तरफ हो जाएं, ठीक है, वी नीड गुड रिलेशन विद वेस्ट, ठीक है, लेकिन वेस्ट को खुश करने के लिए इतना आगे ना बढ़ जाएं कि अपने मजहब पे और अपनी बुनियादें ही हम खत्म कर दें, अपने बुनियाद पे हमले शुरू कर दें. हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके एक मुल्क जो कि इस्लामी मुल्क है उसका हेड ऑफ स्टेट या उसका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर एक क्रिश्चियन हो? That is simply not possible. That is not acceptable. और उसको फिर मैंने बिलावल साहब को ट्वीट भी किया. आई डोंट नो, देखें ये लोग अब आप फॉलो करते हो एक दूसरे को करते हैं. अच्छा. देखें अगर आप अपने बच्चों को लॉन्च करें, अच्छा, वो ट्वीट आपको उनकी पसंद आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए. सर सुन लें, एक ख्वाहिश का उन्होंने कहीं जाहिर किया था, शायद किया होगा, वो पसंद आई थी. देखें सुन लें सर, मेरी गुजारिश मेरा जवाब सुना, आपने क्वेश्चन किया था ना उसका जवाब. अच्छा ठीक. मैंने उनको एक रिस्पॉन्ड किया है कि ये लोग जो अपने बच्चों को सुपरस्टार्स की तरह लॉन्च करें जिस तरह मूवीज में लॉन्च होता है, देखें पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं ना, अवामी नुमाइंदे लॉन्च नहीं किए जाते, वो अवाम से उठ के आते हैं. क्या कभी ऐसा होगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो है जिस हल्के से वो खड़े हो रहे हैं वहां का कोई हरिया किसान भी कभी उसी कंस्टिट्यूंसी पाकिस्तान की असेंबली में आएगा? क्यों? इसलिए कि अगर ये असेंबली पाकिस्तान के अवाम के लिए है तो पाकिस्तान के अवाम को हक तो होना चाहिए ना. ये बात जो मैडम शाला ने की कि उनको तो आना ही है, क्यों भाई? ये कोई प्रेरोगेटिव है किसी का? ये असेंबली किसी की जागीर है? पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम में से आम लोगों को कोई हक नहीं है? अगर ये बात है फिर तो सिर्फ सिंपल ये हुआ कि अंग्रेज चले गए और उनकी जगह एक दूसरी क्लास ने ले ली. जो मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया वो ये है कि बिलावल साहब, काइंडली थिंक बिफोर यू स्पीक. हाउ कैन देयर बी अ क्रिश्चियन पीएम ऑफ पाकिस्तान? इट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. और आगे एक और भी मैंने उनको कहा कि दिस नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वॉज गिवन टू इट बाय योर वेरी ओन भुट्टो साहब हु हैपन्स टू बी योर ग्रैंडपा. आप क्या कर रहे हैं यार? हम उनकी खुशियों में शरीक हैं मसीही बरादरी के, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन आपके कुछ रूट्स हैं, आपकी कुछ आइडियोलॉजी है, आपने मुल्क किसी मकसद के लिए हासिल किया और बहसियत मुसलमान आपके कुछ मकासद होने चाहिए इस दुनिया में. आपको अल्लाह ने क्यों पैदा किया? क्या हम मुसलमान भी हैं कि नहीं? अगर हम मुसलमान हैं तो हमें अपने कुरान के मुताबिक और अपने आइन के मुताबिक चलना होगा, या तो फिर आप इस आइन को ही चेंज कर दें. जब आपने इन्होंने उसी ट्वीट्स में आगे ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ब्लैक लॉज हैं, ब्लैक लॉज को चेंज किए जाए, आप इस्लामिक लॉज को जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको ब्लैक लॉज कह रहे हैं, उन
उन लॉज को इस ट्वीट का हवाला दे रहे हैं कि ऑल ब्लैक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ मस्ट बी, बिल्कुल जी, मुझे इसको कंप्लीट करने दें, वो लॉज जो शहीद भुट्टो साहब वो लाए इस्लामिक लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में, आप अपने शहीद भुट्टो के लॉज को ब्लैक लॉज कह रहे हैं। अच्छा साहब, मैं तो इस हवाले से कि वो सियासत में आ रहे हैं या अगर उनका प्लान है मैं वेलकम करता हूं, फ्रेश ब्लड हैं, वो सियासत करना चाहते हैं, लेकिन जहां तक इस मुल्क में एक चीफ एग्जीक्यूटिव या सदर मुमलिकत एक नॉन मुस्लिम बनने की बात है, मैं बिल्कुल इतफाक करता हूं कि माइनॉरिटीज हमारे भाई हैं और जो ट्रीटमेंट हमने किया है उनके साथ अच्छा नहीं है। लेकिन आप मुझे अगर कोई हम बहुत जंप करते हैं वेस्ट की मिसाल देते हुए, क्रिश्चियन वर्ल्ड में आप देखें, यूके की मिसाल आपको मैं देता हूं, चर्च ऑफ इंग्लैंड से अगर आपका ताल्लुक नहीं है आप हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकते, वहां पे मुसलमानों की तादाद 5% ज्यादा है। इटली की मैं मिसाल देता हूं, वहां पे अगर आप रोमन कैथोलिक नहीं है आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इसी तरह मार्केल जो जर्मनी की है वो खुद उनकी पार्टी का नाम ही क्रिश्चियन डेमोक्रेट है। लिहाजा हम समझते हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये बात डिसाइडेड है, ये फैसला हो चुका है कि हमारा ऑफिशियल रिलीजन जो है वो इस्लाम है। और खुद ये बहस हमने तकरीबन जो सेंटर लेफ्ट और जो राइट की पार्टियां थी 73 कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके खालिद भुट्टो साहब लेट मरहूम थे, शहीद थे, उन्होंने उनके एफर्ट्स के नतीजे में ये बना था और हम भी हमारे अकाबरीन ने भी उसको दस्तखत किए थे। लिहाजा ये सेटल्ड इशू है, मेरे ख्याल में इसको रिविजिट करना में अमेंडमेंट्स भी तो नहीं, एक फंडामेंटल हमारी कल हुकूमत हो और हम इस पोजिशन में अमेंडमेंट करना चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाना पड़ेगा अगर आपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, वो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक तो ये आपने रूटीन की अमेंडमेंट करनी है जिसको आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, एक आपने फंडामेंटल्स को छेड़ना है और उसके लिए आपको फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हमने ये आइन बनाया था वो एक प्रोसेस था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद बना था और उसमें और आपको मालूम है इस मुल्क में कंसेंसस अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस जिसकी ओनरशिप सब पार्टियों ने अक्रॉस द बोर्ड दी हो ये हासिल करना आसान काम नहीं है। लिहाजा जो सेटल्ड इश्यूज है इसको रिविजिट करना पेंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ है और अपने पॉलिटिकल कैपिटल को मेरे ख्याल में ऐसे फरोई मसाइल की तरफ जो है स्पेंड करना है जो मैं समझता हूं कि पॉजिटिव काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए कंट्रीब्यूशन। तो आपके ख्याल में ये नेगेटिव काम के लिए, मेरे ख्याल में जो है ये बहस हमने सेटल किया हुआ है, इसको रिविजिट नहीं करना चाहिए। आपके ख्याल में ऐसा क्यों बयान सामने आ सकते हैं? उनका हक है बयान देना, उनका उनकी राय है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इससे हमारी हमारी नजर में ये मेरे ख्याल में हम इतफाक नहीं करते। बाकी ये कि इस मुल्क में राय देने पे पाबंदी नहीं है, वो एक सियासी पार्टी के मुतवक्को लीडर है, उनकी जो ओपिनियन है वो बिल्कुल हम वो कल एक पार्टी है, मतलब वो बड़ी पार्टी के लीडर है, वो कल लीडर है, ऑपोजिशन में बन सकते हैं, कल वो जो है वजीर आजम भी मुल्क के बन सकते हैं जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो आप इसको फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते। बहुत सी चीजों पर हमारा कन्वर्जेंस है, बहुत सी चीजों पर डाइवर्जेंस। देखें आप यूके में, मैं राजा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, राजा साहब वक्त दे रहे हैं उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते, हुकूमत वक्त जो है बड़े तहमल से जो है वो बैठे, यकीनन आपको उनकी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे तो कोई एतराज नहीं होगा, लॉन्च करने पे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है आप भी उस रिवायती और मौरूसी सियासत को थोड़ा प्रमोट करने वाले, तो इस नुक्ते पर जरा वजाहत कर दीजिएगा कि ये नुक्ता जो है वो किस हद तक दुरुस्त है या नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो माइनॉरिटीज से लिया जाए, और अगर इसमें कोई लेजिस्लेशन हो जाती है तो इसमें कोई हर्ज है या नहीं? ये देखिए जी, पहले तो उनका पॉलिटिक्स में आना कोई एक अच्छी चीज है कि वो आ रहे हैं पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और इनसे अब अंदाजा ये हो जाएगा, पता भी चल जाएगा बिलावल साहब को कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या है। वो मैं उनका ट्वीट देख के मुझे भी हैरानगी भी हुई, अब मुझे कुछ लग रहा है कि अपने ट्वीट बिलावल साहब खुद ही लिखते हैं, जिस तरह आर्टिकल लिखे जाते हैं लिखवाए जाते हैं ये ट्वीट से खुद ही लिखे, मतलब जिस तरह उनके आर्टिकल्स आ रहे होते हैं। अब अगर आप देखें कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है वो ऐसा ट्वीट क्या लगता है कि वो अपने आर्टिकल्स खुद नहीं लिखते? मेरा तो ख्याल है जिस तरह फाइनेंस के ऊपर वो एक अथॉरिटी बन के लिख रहे होते हैं, अगर आप उनकी डिग्री 100 अरब के प्रोजेक्ट के ऊपर अगर जो है वो नॉन इलेक्टेड पर्सनैलिटी को सिलेक्ट कर लें तो देखें, पहले मैं जरा एक ऐड करना चाहता था ना चीज, आप एक 100 अरब के प्रोजेक्ट पर अगर मरियम नवाज साहिबा को लाते हैं, इज इट फेयर? उनका तजुर्बा है, मरियम नवाज का तजुर्बा बिल्कुल है इस प्रोजेक्ट को करने का, बिकॉज शी इज नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट अभी से, वो आज से कुछ 6-7 महीने पहले से इस प्रोजेक्ट की जितने भी प्री रिक्विजिट्स थे उसके ऊपर प्रॉपरली उन्होंने वर्किंग की है, वो अपनी ट्रस्ट की खुद से चेयरपर्सन भी है और उनका एक्सपीरियंस है कि वो इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फाइनेंशियल एड रिलेटेड जितने भी मामला है अपनी ट्रस्ट को भी वो खुद चला रही है, तो उनका एक्सपीरियंस है।
बिलावल साहब का जहाँ तक बात आती है कि वो बिलावल साहब का आर्टिकल लिखने का भी बिलावल साहब का मेरा तो ख्याल है, मैंने इनका एक फाइनेंस पे आर्टिकल पढ़ा था जिसको एक दो हफ्ते कबल जो आया था कराची से बड़ा एक एनालिस्ट थे इकोनॉमिस्ट थे जो मुझे लग रहा था लिखा उन्होंने हुआ था और उनको भी ऑनलाइन लिया हुआ था, वो उस आर्टिकल को बड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे और उनका जो ये ट्वीट है ये मुझे अंदाजा हो गया कि ये बिलावल साहब ने खुद ही लिखा है, क्योंकि जाहिर है आप कह रहे हैं ट्वीट उनके अपने हैं लेकिन आर्टिकल्स के पीछे कोई और किसी और से लिखवा रहे हैं, क्योंकि अभी एक रिसेंटली आप आर्टिकल्स को आर्टिकुलेट कोई और कर आर्टिकल आगे काफी लोग प्रोपगेट कर रहे हैं उसको आर्टिकुलेट भी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक ये सवाल ब्रेक है ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जो है वो आप अपना नुक्ता भी कंप्लीट कीजिएगा और शैला रजा साहिबा की जानिब जाएंगे कि फिर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मामला, फिर उसके लिए जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं इतना आगे ना जाइए एक हद तक जो है वो रहिए, और मोहसिन राजा साहब कह रहे हैं कि ट्वीट तो उनको उनका ही लग रहा है लेकिन आर्टिकल्स पे इनको कुछ तहफात हैं। एक ब्रेक के बाद शैला साहब से इस पर रिस्पॉन्स करेंगे। वेलकम बैक जी शैला साहबा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। गालिबन शायद शैला रजा साहबा से रब्ता मुनकता हो गया है। मोहसिन साहब आप जरा अपना नुकता मुकम्मल कीजिए फिर शैला साहबा से इस पर रिस्पॉन्स। जी मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से ये एक जो ट्वीट है वेस्ट को अट्रैक्ट करने का भी इसमें से एक एलिमेंट हो सकता है कि वेस्ट को आप अट्रैक्ट करें, लेकिन हमने ये हमेशा से देखा है जब भी हमने वेस्टर्न या जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उनके कहने के ऊपर अपनी सियासत की बुनियाद रखी है हमारा वो सियासतदान तबाह हुआ है। ये मिसाल है आपके सामने जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप हैं जब वो वेस्ट की अम्ब्रेला के बाहर निकले अवाम ने उनको फॉलो किया है, जब उन्होंने 20 करोड़ अवाम की बात की तो अवाम उनके पीछे चली है, जब जैसी वेस्ट की एजेंडा पे गए टाइमली बेनिफिट होता है। ठीक है आई नो आप मुझे इस तरह से देख रहे हैं और अब आपके जेहन में जो सवालात उठ रहे हैं मुझे वो भी अंदाजा हो रहा है, लेकिन मैं वैसे ये समझता हूँ कि ये वेस्ट को अट्रैक्ट करने की भी एक है। ठीक अली साहब वो कह रहे हैं वेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है और जब जब लीडर्स जो है वो वेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त जो है ये मुश्किल आ जाती है कि फिर उनका फ्यूचर जरा खतरे में पड़ जाता है। देखें व्हाट इज योर सियासत, सियासत एक बहुत मुकद्दस काम है। मैं समझता हूं कि ये एक इबादत है, जब आप दुखी इंसानियत की जख्मों पे मरहम रखते हैं ये एक इबादत है, लेकिन अगर उसको इबादत की नजर से किया जाए, लेकिन सियासत के लिए इतना आगे बढ़ जाना कि अपनी कदरों को भूल जाना, किस मकसद के लिए मैं पैदा हुआ, मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, भाई हम मुसलमान तो हैं ना, आप क्या कर रहे हैं आप इतना, मुझे ये बताएं। मैंने ट्वीट किया बिलावल साहब को, मुझे उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं शैला साहब मैंने उनको ट्वीट किया, इसका जवाब भी मुझे उनसे ले दें जवाब। मैंने यूएस इसराइल और यूके ये अपने मुल्क में किसी मुसलमान को पीएम बनने देंगे क्या? देंगे? ठीक है शैला साहब योर टेक ऑन। जी जी मैं क्योंकि रास्ते में हूँ तो मुझे सही से आवाज भी नहीं आई, डिस्कनेक्ट भी हो गई, लेकिन जो मैंने बातें सुनी उससे जो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ पीटीआई के अलावा ये कोई नहीं कह सकता कि बिलावल भुट्टो को हक नहीं आने का, क्योंकि अभी वो सियासत समझ ही नहीं है। मुझे बताएं कि वो किस हक के तहत कहते हैं और ये मौरूसी सियासत क्या होता है। अब अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को आइडियलाइज नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, जज का बच्चा जज, तो सियासतदान का क्यों नहीं बन सकता? तो ये गरीब आदमी का बच्चा पार्टी का चेयरमैन क्यों नहीं बन सकता? जी गरीब आदमी की बेटी जो है ना डिप्टी स्पीकर बनी हुई है दूसरी दफा, जिसका अपना मैं चेयरमैन का सवाल एक दिन ये भी बनेगी, एक दिन ये भी बनेगी और ये भी होगा किसी पार्टी में। मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि आजम सवाती क्यों, जहांगीर तरीन क्यों, और कोई क्यों नहीं, अमीरी लोग क्यों? तो इस तरह की मिसालें हमारे पास भी हैं। हमारा कहना यह है कि हमारी पार्टी में जो है वो बट टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट, इजंट इट? आप मेरी बात सुनिए वरना आप मेरा फोन बंद कर दें। नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं जरा उसमें एक ऐड करना चाह रहा था कि टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने वालिद की शहादत के बाद भी खेल कूद के नहीं आए सियासत में कि अपने आप को यंग कहें 62 साल की उम्र में और आ जाए, और बिलावल भुट्टो साहब जो है अपने मामू अपने बाप की शहादत देखने के बाद, अपने बाप की सारी सौबतें देखने के बाद फैसला ले रहे हैं। अब अगर किसी के पेरेंट्स इस काबिल ही नहीं है कि बच्चे उन्हें आइडियलाइज करें, उनके साथ रहें, अलग रह रहे हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे, सर खो जाएंगे ना। तो मेरा कहना ये है कि ये आप बेवकूफी की बातें ना करें, इसका हक नहीं है, उसका हक नहीं है, सबका हक है, जान देनी पड़ती है तो सियासत होती है और जमहूरियत आती है। आपको प्लेट में रखी मिली है जी। तो अब तक जो है रेफरेंडम सपोर्ट कर रहे थे अली साहब। मेरा जो है वो ये कहना है कि जहां तक देखिए ये बात है कि देखना चाहता हूँ वो इज अ डिफरेंट मैटर। ये एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में
जो है अल्लाह करे कि ऐसे हालात हो कि लोग एक दूसरे से दुश्मन ना हो और उनकी ये सोच हो, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल बनाऊंगा और ये करूंगा, ये इस बात की है। और यकीनन हमें ऐसे पीछे चलना चाहिए, हमारा जो झंडा है ये पूरी दुनिया का जो है उन झंडों में ये वाहिद हमारा फ्लैग है जिसमें व्हाइट कलर से ये शुरू होता है और व्हाइट कलर जो है अकलियतों के हकूक, व्हाइट को सारा ग्रीन पे व्हाइट ही ना कर देना, उसमें जो है ग्रीन चांद तारा नजर आया, हम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें 6% जो है पॉपुलेशन का वो माइनॉरिटी है, लेकिन हम अलग से उसको इलेक्ट होने का भी उनको ये राइट दिया हुआ है हमने कि वो अपना मिनिस्टर अलग से इलेक्ट करें, और इसके यहाँ इसके अलावा भी हमारे यहाँ पार्टीज जो है उन्हें अलग भी टिकट देती हैं, माइनॉरिटी की भी सीट होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ इतना एक्सट्रीमिज्म है कि हमारे यहाँ मुसलमानों को काफिर के फतवे लग के उन्हें बसों से उतार के मारा जाता है, उनकी औरतों के पेट चाट कर दिए जाते हैं, उनके आजा काट दिए जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि दुनिया में हमारा इंप्रेशन ना हो, उस पर अगर हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उस पर वो लोग जिनके पास सियासत करने की बेस नहीं है वो इतना परेशान क्यों है। जी अली साहब, ये सिर्फ एक बात कह रहे हैं, नई बात अमेंडमेंट की उसकी तो सब जानते हैं कि आईन ये एक जरा मौसम राजा साहब ने भी सवाल उठाया था, उन्होंने कहा नहीं मैं आपकी सुनवाना चाह रहा था, मुझे भी सवाल करना है। आज तक हुदूद ऑर्डिनेंस जो है जिसके हम इंतहाई खिलाफ हैं, जो कि जियाउल हक ने हमारे ऊपर एक बदनुमा दाग लगाया है, हम आज तक उसके उसको खत्म नहीं कर सके। परवेज मुशर्रफ ने खत्म कर उसमें कुछ अमेंडमेंट लेकर आया तो उसके 42 लोग एब्सटेन कर गए। आज तक हम ये देख रहे थे कि ब्लास्ट फैमिली जो है इस पे आज तक किसी भी सही तरीके से सही लोगों को सजा नहीं हुई, लेकिन जिनके ऊपर मुकदमे बने उनको मार दिया गया, सजा किसी को भी नहीं हुई। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो इन लॉज में अमेंडमेंट किसने करनी थी शेरा साहब? अमेंडमेंट इस तरह नहीं होती, और अभी भी जो क्या कहते हैं किस तरह होती है अमेंडमेंट जो है वो इस तरह नहीं होगी। अभी मुझसे पहले कोई भाई बात कर रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये इस तरह नहीं होती कि किसी एक पार्टी के किसी भी जितनी भी बड़ी पार्टी हो उसके लीडर से कह दिया और अमेंडमेंट हो जाएगी, वरना वो आइन होता ही नहीं। आइन मुतफ़क़्क़ा होता है, 2/3 मेजोरिटी उसको करती है और उसके बावजूद भी खिलाफात रहते हैं। अपना ख्याल रखना एक अलग बात है। हम तो जनाब एक यही कह रहे हैं ना कि हमारे मुल्क में ऐसा इत्तफाक हो कि हम हमारे ये भी हो जाए, लोग तो अपनी पर्सनल जिंदगी में लोगों को शामिल कर लेते हैं दूसरे मजहब के लोगों को, वो कुछ नहीं है, शादियां कर लेंगे क्रिश्चियनों में, बच्चे पैदा कर लेंगे वहां के, वो उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, अपना खानदान को तब्दील कर लेंगे। ठीक भाई, ये ठीक है, आप नुक्ता आ गया, मैं जरा इसका रिस्पांस लूं। आत्म नहीं हो जी अली साहब, लेकिन इस पे जो मेरा टेक है ना, शायद मोहतरमा शहलाज साहब मेरा पॉइंट समझ नहीं पाई। हमें बिलावल साहब के आने पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन देखें कॉन्सेप्ट, वो कह रही कि उसने तो आना ही था, क्यों आना था भाई, क्या किसी बड़े, सुन ले प्लीज, आई वॉज कीपिंग क्वाइट, देखें क्या किसी बड़े खानदान में पैदा होना इस बात की दलालत या जमानत है कि आपने भी लीडर बनना है? बिल्कुल आई एग्री कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लेकिन मेहनत करके डॉक्टर बनता है, प्लेट में उसको कोई डॉक्टर नहीं देता। प्लीज प्लीज लेट मी टॉक और यू डू वन ऑन वन विद द अदर साहब। देखिए जो मेरा पॉइंट है वो ये है, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि एक तो जो हम सोमरो साहब, अगर अल्लाह ना करे कि उन्होंने इस्तीफा दिया हो, लेकिन अगर उन्होंने बिलावल साहब के लिए इस्तीफा दिया है तो वो उन हजारों वोटर्स की तस्दीक है जिन्होंने उनको वोट दिया है। क्यों भाई, ये किसी की जागीर है? पाकिस्तान किसी की जागीर है? पार्टी के नजरिए को वोट दिया है ना, फर्दे वाहिद को वोट तो नहीं दिया ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, जरा इसको अली साहब आप मिस कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट वो तो उन्होंने पार्टी नजरिए को वोट दिया है ना। आदिल साहब वो ये है कि देखें जो जो सियासत है ना बहुत मुकद्दस काम है, ये इमामत है, इमामत विरासत में नहीं मिलती। अगर इमामत विरासत में मिलती तो अबू बकर सिद्दीक का बेटा खलीफा होता, उमर फारूक का बेटा खलीफा होता, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का बेटा खलीफा होता, हज़रत अली करम अल्लाह वजू का बेटा खलीफा होता। ऐसा नहीं होता, ये तकवा पे होती है, आप सलाहियत पे होती। बिल्कुल आए एज अ वर्कर की तरह ज्वाइन करें, तकवा कौन चेक करेगा सर? लेकिन क्या बात, हम कर रहे हैं यहां तकवा, सियासतदानों का तकवा कैसे चेक करेंगे सर? जरा मुझे, मैं जरा नहीं, जरा दूसरे मेहमानों को भी शरीक कर लूं ना। उन्होंने कहा ना कि आजम स्वाती और ये वो, मुझे आर्टिकल 62-63 की जितनी धज्जियां इस मुल्क में उड़ी हैं, आप तकवा और परहेजगारी पर। उन्होंने कहा ना कि मैं शरण समझ गया, किसी भी ईसाई के साथ शादी करना हराम नहीं है, लेकिन सियासत के लिए अपना सरनेम चेंज करना,
سیاست کے لیے اپنا سر نیم چینج کرنا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں آئیں اپنی پارٹی میں ورکرز کو آگے لے کے آئیں، اس بھٹو کی پارٹی کو جس نے مزدور کو جینے کا حق دیا، اس نے مزدور کو آگے لے کے آئیں۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ امام وراثت میں امامت چلی ہے، خلافت نہیں چلی، امامت چلی ہے سر اپنی، کچھ نہیں تو سیاست کی ہسٹری تو نہیں پتا، مسلم ہسٹری پڑھ لے یار، انہیں تو یہ بھی ایک خلیفہ بتا دیں جس کا باپ خلیفہ تھا اور وہ بھی خلیفہ بنا، مجھے بتا دیں اسلامی ہسٹری میں ایک بتا دیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا خلیفہ تھا، حضرت عمر فاروق کا بیٹا، دیکھیں وہ محنت کرے، وہ محنت کرے، ورکر کی طرح جوائن کرے پھر آئے، لیکن یہ اوپر سے مسلط کرنا لوگوں کو پہلے سے، جی جی شیلا صاحب اسٹوڈیو میں بیٹھنے کا فائدہ نہ اٹھائیں، مجھے بات کرنے دیں۔ جی شیلا صاحب، رسول بیٹی جو ہے وہ خاتون جنت ہے اور نواسے جو ہے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور رسول کی بیٹی کے گھر سے امامت چلی ہے اور سارے امام انہیں بھی وہ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر زمانے میں کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے کہ وہ ایکسٹراڈینری ورک کرتے ہیں۔ اب بھٹو خاندان جو ہے وہ کھیل کود کے نہیں آ رہا سیاست میں، بھٹو خاندان جان کی قربانی دے رہا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب 18 سال کی عمر سے آپ اسلام کی جڑوں پہ حملے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کرسچنز کو پاکستان کے پرائم منسٹر بنائیں، پھر آپ نے پاکستان کیوں بنایا تھا میڈم؟ دو قومی نظریہ کدھر گیا؟ میں ذرا دو قومی نظریہ کدھر گیا؟ میں ذرا یہ آیت کدھر گئی جب اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً۔ آئی ہیو ٹو انٹرپٹ یو، ذرا میں شیلا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، شیلا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا محسن راجہ صاحب اس پر ذرا کامنٹ کیجیے گا کہ یہ جو ڈبیٹ ابھی دوسری طرف ذرا ڈیویٹ ہو گئی ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو